तो गाइस ये है, देखिए तो गाइज ये है वो वाटरफॉल, अच्छा और इस बंदे के पास दूर तक कहीं माइक नहीं और ऐसी बकवासी की जा रही है। तो गाइज हम जा रहे हैं अब वाटरफॉल, जो कि मेरे को अभी तक तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, तो मेरे चलने की इतनी हालत नहीं है कि मैं चल सकूं। तो झूला पड़ी होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी जगह है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं दिल्ली। हमारी टीम दुनिया की वो वाहियात टीम है जिसमें दो प्लेयर वो खेल रहे हैं, दो प्लेयर उधर खेल रहे हैं और दो प्लेयर इधर खेल रहे हैं। ये हमारे ओपनर आ गया कि चले गए, हम बीच में मैच संभाल रहे हैं और ये हमारे टेल एंडर है। जंगल भाई, जंगल मस्त है पर थोड़ा पानी कम है। चल भाई, इतना बड़ा वाटरफॉल उसे दो की थी है। वॉटरफॉल का नाम क्या है? क्या वर्षांगन? वर्षांगल, वर्षांगल वॉटरफॉल। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। ओए हाँ, ये ठीक बड़ा है। What is this place? This is called heaven on earth. तो ये जैसा आप देख सकते हैं, ये है वर्षांगन वाटरफॉल, यही नाम बताया था ना। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, इससे पहले मैंने इससे बड़ा वाटरफॉल नहीं देखा था। आ जा भाई, देखा? है ना बढ़िया, ले लो।
बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। हमने पहले सोचा था कि हमने नीचे वाला वाटरफॉल देखा तो हमें लगा कि छोटा सा वाटरफॉल होगा तो क्या ही मजा आएगा, बट यहाँ कुछ बच्चों ने हमें बताया कि ये छोटा नहीं काफ़ी बड़ा भी है ऊपर, तो हमने देखा कि ये वाटरफॉल बहुत ही मतलब अच्छा था। और यहाँ बंदों की थोड़ी सी पार्टी चली अभी, ये देखिए यहाँ पार्टी चली अभी, ड्यू पार्टी। ये वो बंदे हैं जो ड्यू को बियर समझ के पीते हैं और उसके बाद धक्के भी खाते हैं। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, साले मीम नहीं देखी माउंटेन ड्यू डर डर की मार। ले हम वापिस आ चुके हैं, हमें यहाँ से सिर्फ लार्जी जो प्रोजेक्ट है वो बचा है सिर्फ 5 किलोमीटर, तो हमारा सफ़र कुल अब ज़्यादा नहीं तो 40 या 42 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो हम सोच रहे हैं इस इतनी इतनी ख़तरनाक धूप में थोड़ी सी छाया में रुक लेते हैं, तो यहाँ सभी अपने मित्रगण छाया में बैठे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रोड का कुछ इशू हो गया है, लैंडस्लाइड हुआ शायद या कुछ है, ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम है जिसको देखते हैं आगे जाके क्या चला। ये ऐसा हो सकता है कि रोड क्लियर कर रहे हो। तो ये भी चाहते हैं कि रोड अच्छे से क्लियर हो जाए, तो मेरे हिसाब से तो ये जो कंडक्टर इनके साथ लगे उनको भी कोऑपरेट। ये है कुछ ऐसा है, ऐसा ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से थोड़ी देर हमें रुकना पड़ा, कोई बात नहीं आखिर थोड़ी देर रुकेंगे तभी तो काम हो पाएगा और तभी हमारे लिए अच्छा रोड बन पाएगा। तो ये है वो टनल जिससे हम जाने वाले हैं, जिससे हम सुबह गए थे, सुबह अंधेरा था तो हमने इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की, बट ये टनल इस टनल की वजह से जो है इस रोड में ट्रैवलिंग का जो टाइम है कम से कम आधा घंटा जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ऊपर से जो है इसमें ट्रैफिक जाम भी हो सकता था, तो उस वजह से जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो जिससे अब डिस्टेंस भी कम हो गया और टाइम भी बच जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें स्पीड लिमिट का बताया हुआ है ऊपर जो दिख रहा है, इसमें मिनिमम इसमें मैक्सिमम स्पीड जो है 50 बताई हुई है, और ओवरटेक के रूल्स भी है कि आप जो है टनल में इस टनल में तो नहीं है बट आपको रोहतांग वाली जो अटल टनल है उसमें तो ये भी रूल है कि आप टनल के अंदर जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये जैसे ये टनल ख़त्म होती है वैसे दूसरी स्टार्ट हो जाती है, इसमें क्या सेम ऐसे ही है आपको जो है मैक्सिमम स्पीड 50 दी गई है कि आप 50 की स्पीड से इसमें चल सकते हो। बहुत ही शानदार टनल्स है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज भी सामने देख सकते हो। ये अभी नया बना है, मेरे को इस जगह का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, पहले यहाँ पे भी एक ओल्ड फैशन ब्रिज होता था एक जो कि काफ़ी टाइम से बना था, और ये है वो पुरानी रोड। अभी तक मनाली में कुछ ऐसे एरियाज है जिनमें बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये पानी जो है अभी भी ऐसे मिट्टी वाला आ रहा है क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है ना, सिर्फ यहीं पे धूप है इस वजह से जो है ये मिट्टी वाला पानी अभी भी आ रहा है। ये पार्वती नदी है जो आगे जाके पंडोर डैम में मिलेगी, जिसको हम सुबह अंधेरे की वजह से दिखा नहीं पाए थे आपको, अब जाके हम उसको भी दिखाएंगे पंडोर डैम, क्योंकि जब हमने सुबह पंडोर डैम क्रॉस किया था तो उसमें वो कैमरे में रिकॉर्ड करना मुश्किल था क्योंकि अंधेरा था उस टाइम, हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकले थे और ऊपर से बारिश और धुंध पड़ी हुई थी जिसकी वजह से वो भी
क्लियरली विजिबल नहीं था। ये हमारे सहयोगी राइडर अर्जुन ठाकुर और अभिषेक जो हमारे से बिल्कुल साथ साथ में चले हैं। और ये हमारे दूसरे सहयोगी राइडर अनुज और विक्रांत, जिनका सिर्फ नाम विक्रांत है, बाकी उनको जानता कोई नहीं है विक्रांत नाम से। इनका जगत फेमस नाम है टीटी डॉन। ये आपको दूर से ये जो है पंडो डैम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह हमारा आने का मोटिव यही था कि अगर सुबह जल्दी निकलेंगे एक तो पहली बार ट्रैफिक कम मिलेगा और ऊपर से जल्दी पहुंच भी जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह तो हमें बिल्कुल भी कम गाड़ी मिली, अब काफ़ी ट्रैफिक है दिन में, ट्रैफिक भी अच्छा है, बट ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जाम हो जाए, बाकी कोई बात नहीं। और ये देखिए धूप में बढ़िया, अभी इनकी गाड़ी गर्म हुई है और ये गाड़ी को ठंडा कर रहे हैं और खुद भी आराम से छाए में सोए हुए। अभी तो वैसे भी छाया आ चुकी है, जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ऐसा लगता है शाम तक बारिश तो आ ही जाएगी। तभी हम भी थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम टाइम से पहुंच जाएं, ताकि सुबह की तरह फिर गीला ना होना पड़े, क्योंकि सुबह हम बहुत गीले हो चुके थे। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि दिन में अच्छी धूप आई और उसके बाद जो है अब हमारे जो है कपड़े वो बिल्कुल गीले हुए थे, वो भी सूख गए और जो थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी वो भी कम हो गई, इसकी वजह से हम अभी भी आराम से चले हुए हैं। और वो सामने वो जो तक जगह दिख रही है ना, वो जो छोटा सा रेन शेल्टर है, वो वाली जगह जहाँ हमने सुबह आग जलाई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए और ठंड से बचने के लिए। अभी देखते हैं कोई हमारे से बात भी उस आग को जला के गया है या किसी ने उस आग को यूज़ किया है या नहीं। नहीं, वो अभी भी लकड़ियाँ वैसी ही पड़ी है जो हमने जलाई थी। ऊपर से जो है पंडो डैम का नज़ारा है जो जब साफ पानी हो तब अच्छा दिखता है, अभी तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा। और ये आप क्लियरली देख सकते हो इसमें दो नदियों का पानी मिला है, एक जो उस साइड से आ रही है और एक इधर से, तो आप क्लियरली बीच में एक डिवीज़न सा देख सकते हो। उधर की जो उस साइड का पानी है वो ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू हमारी तरफ से जो पानी आ रहा है उससे। वो रोड एक्सीडेंट, ट्रक उल्टा हो गया, ये है लापरवाही का नतीजा। ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बीच में ना एक लाइन सी बनी हुई है, उस तरफ की मिट्टी, उस तरफ के पानी का कलर कुछ और है और इस तरफ के पानी का कलर कुछ और है। और ये आपको दिख रहा है सामने पंडोडा है।
ये बस कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही है मुझे, बहुत तेज जा रही है। ये जो आपको सामने दिख रहा है लैंडस्लाइड, ये वो लैंडस्लाइड है जो शाम को नहीं रात को हुआ था, जिसकी वजह से हमें बारिश में उस चाय की शॉप में रुकना पड़ा था ना सुबह 3:30-4 बजे, वो इस लैंडस्लाइड की वजह से था। क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही थी वो बोल रहे थे कि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, तो उन गाड़ी वालों ने ये बोला कि कुछ टाइम वेट कर लो और उसके बाद जो है इसको क्रॉस करना, ताकि कोई दिक्कत या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम वापस जा रहे हैं मंडी की तरफ, तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी बैटरी की शॉर्टेज है। अगर हमें रास्ते में लाइट मिलती है या कुछ ऐसा चार्जिंग का सोर्स मिलता है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।